जमाल उत्तर आलम प्रदेश बलिया जिले में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमाल आलम पूर्व सपा जिला अध्यक्ष बोले कि हमारी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे गरीबों का मदद करने के लिए तैयार है। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेताओं ने करोड़ों रुपए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए योगदान किए हैं। साथ ही ये भी बोला कि गरीब असहाय लोगों का सरकार विशेष ध्यान दे ताकि गरीब जनता की मदद हो सके। क्या आपके द्वारा क्या इसमें सुझाव है, क्या संदेश देंगे लोगों के लिए? अभी आपको अखिलेश जी द्वारा 20 करोड़ की अनुदान दी गई है इस कोरोना वायरस पर आपकी पार्टी के द्वारा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मीडिया के लोगों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और हिंदुस्तान की सरकार खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करना चाहता हूं और साथ ही अपने नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं कि कोरोना जो वायरस आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में फैला हुआ है, उसके लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना योगदान दे करके पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और आवाम को हौसला अफजाई करने का काम किए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज जो लॉकडाउन किया गया है, जो मानसिक संतुलन से खराब है, जो घूमते हैं इधर उधर, जो असहाय गरीब है। देखिए, लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि लॉकडाउन अपने घरों के अंदर आप रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 21 दिन का जो लॉकडाउन आया, ये 21 दिन का हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। 5 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता करते करते इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 21 दिन अचानक बढ़ा देना यह जो हमारे समाज के जो गरीब तबका है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और हम लोग तो अपने माध्यम से अपने मोहल्ले में ये देख रहे हैं कि बहुत ही मुफलिसी है, गरीबी है, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों का मदद कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी टोटल आज आप टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अनुदान